हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द गोश्त। तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारे 250 ग्राम उड़द हैं और 250 ग्राम ही हमारा ये गोश्त है। और दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई हैं, तो ये हमारी दो प्याजें हैं। और ये पाउडर मसाले हैं, तो 1/2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1/2 टीस्पून ये लाल मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून नमक है। नमक मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। और 1/2 टीस्पून हमारा ज़ीरा है और बारीक कटा हुआ अदरक है। और 2 से 3 हमारे ये लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 छोटी इलायची हैं और 4 से 5 सिया मिर्चें हैं और 1/4 टीस्पून ये हींग है। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उड़दों में। और 1 टीस्पून हमारा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गोश्त भून लेती हूँ। तो मैंने ये आधी कटोरी मैंने ये ऑयल लिया हुआ है, ऑयल मुझे भगार में भी बाद में यूज़ करना होगा, तो ये मैंने आधा कटोरी ऑयल लिया हुआ है। और 1 प्याज का मैं भगार करूँगी और 1 प्याज में बाद में भगार ऊपर से करूँगी उड़दों में। ये मैंने रोक लिया 1 प्याज, तो इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं प्याज को। तो देखिए फ्रेंड, हमारी ये गोल्डन हो गई है प्याज। अब इसमें हम ये गोश्त ऐड करेंगे। तो हमारा 250 ग्राम ये हमारा गोश्त है, तो ये इसमें भगार में ऐड करेंगे और अच्छे से 1 मिनट के लिए चलाएंगे। और इसमें हम 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। और ये हमारे मसाले हैं, मैंने मसालों को मेंशन कर दिया है पहले ही आपको। तो ये मैं सब मसाले एक साथ ही ऐड करूँगी। ये देखिए धनिया पाउडर है और ये हल्दी पाउडर है और ये लाल मिर्चें हैं। तो देखिए नमक मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, जैसे आपके यहाँ खाई जाती हो। ठीक है, और मुझे ज़रा हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, तो आप अपने हिसाब से नमक मिर्चों का क्वांटिटी रख सकते हैं। और ये हमारे खड़े मसाले हैं, तो ये मैं सब इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये हींग, तो उड़दों में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाना उड़द गोश्त, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और तकरीबन मैंने इसमें 1 कटोरी के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसको 5 से 10 मिनट मुझे ऐसे ही भूनना है, मुझे गोश्त को गलाना नहीं है, गोश्त को मुझे उड़दों के साथ ही गलाना है। तो इसको 5 मिनट हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 मिनट हो गए हैं और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं उड़द ऐड कर दूँगी। तो ये हमारे 250 ग्राम ही उड़द हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को, मसालों को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी कि हमारा गोश्त और उड़द अच्छे से गल जाए। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें विसिल लगाऊंगी, तो 6 से 7 मुझे इसमें विसिल लगानी पड़ेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें विसिल लगा रही हूँ, तो 6 से 7 हमें विसिल लगानी है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे उड़द और गोश्त अच्छे से गल गए हैं। इसको हम देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से गल गए हैं। और हमें एक काम करना है, तो ये जो हमारा ये गोश्त के पीसीज हैं, इसको मुझे निकालना है कि मुझे अभी उड़दों को मैश करना होगा ना, तो ये मैं पीसीज को निकाल लेती हूँ कि हमारे पीसीज मैश नहीं हो जाएं। तो मैं एक एक करके जितने भी हमारे पीसीज हैं गोश्त के, वो मैं एक बाउल में अलग से निकाल लेती हूँ और उड़दों को मैं अच्छे से मैश करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से
मुझे मैश करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैश हो गए हैं। और इस तरह का आप एक चमचा ले लेना और इस तरह से आप इसको उड़दों को मैश कर लेना अच्छे से। देखिएगा बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। जब ये मैश हो जाएंगे ना, तो ये थोड़े गाढ़े हैं, तो इसमें मैंने एक कटोरी और पानी ऐड किया है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी ऐड कर दिया है। और इसमें मैं अब वो जो गोश्त मैंने निकाला था पीसेस को, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से पहले बॉईल आने देते हैं, जब तक इसको मुझे पकाना है। पहले अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए उर्दू में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से भगार करूँगी उर्दू में। तो अब इसको साइड में रख देती हूँ मैं। एक बार आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा घर का देसी खाना कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये उड़द में अच्छे से बॉयल आ गया। तो मैं एक पैन मैंने ले लिया, इसमें मैंने आधा कटोरी से कम ही ऑयल ऐड किया है, कि ऑयल मैंने उर्दू में भी डाला है। तो और एक प्याज मैंने जो रोक ली थी, इसमें भगार कर लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल में। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसे हल्के हाथ से चलाते रहना है बीच बीच में, कि हमारा जल नहीं जाए भगार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा भगार भी रेडी है। अब हम इस स्टेज पे हम थोड़ी हींग और ऐड करेंगे। देखिए हींग तेज़ वाली है, तो आप कम ही डालिएगा। मेरे यहाँ नॉर्मल है, किसी ब्रांड की बहुत तेज़ होती है, तो आप अपने हिसाब से ही हींग ऐड करिएगा। ये मेरी नॉर्मल वाली हींग है, तो मैंने ये ऐड कर दी है। और हमारा भगार भी रेडी है। तो अब हम इसमें उर्दू के ऊपर ये ऐड कर देते हैं सब भगार। तो इसमें थोड़ी हींग लगी हुई है, थोड़ा उड़द इसमें ऐड करके सबको इसमें वो कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और गरम मसाले की वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, होममेड गरम मसाला, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने होममेड की गरम मसाले की वीडियो शेयर कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे उड़द गोश्त रेडी हैं और मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने ब्राउन राइस बॉईल किए हुए हैं, इसको मैं सर्व करूँगी चावलों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर मेरे स्टाइल से बना के देखिएगा, उड़द गोश्त बहुत ही मज़ेदार होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे उड़द गोश्त रेडी हैं। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी उड़द गोश्त की कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बाय बाय।